नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैंने आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल डिलीशियस फूड रेसिपीज के किचन में। दोस्तों आज की मेरी रेसिपी है मिक्स वेजिटेबल की। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मिक्स वेजिटेबल। तो मिक्स वेजिटेबल बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए पहले हम वो देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी मिक्स वेजिटेबल सब्जी की रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को नीचे लाइक के बटन क्लिक कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो मिक्स वेजिटेबल्स बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो है बीन्स। यहाँ पे मैंने हरे बीन्स लिए हुए हैं 1/3 कप। 1/4 कप यहाँ मैंने गाजर कट करके लिया हुआ है। पीली वाली शिमला मिर्च मैंने लिया हुआ है 1/3 कप। 1/4 कप मैंने हरी शिमला मिर्च लिया हुआ है। बैगन मैंने लिया हुआ है 1/4 कप। 8 से 10 मैंने फूल गोभी की कलियाँ ली हुई हैं। और सब्जियों में हमें चाहिए 1 मीडियम आकार का उबला हुआ आलू, यहाँ मैंने कट करके ले लिया है। 2 हरे मिर्च, 1 मीडियम आकार का टमाटर इस तरह से कट किया हुआ, यहाँ मैंने लिया हुआ है 1/4 कप। कट करके मैंने यहाँ पर पनीर लिया हुआ है। और 1/2 कप मैंने लिया हुआ पत्ता गोभी को कट करके। आप अपने मनपसंद की कोई भी सब्जी मिक्स वेजिटेबल के साथ मिला करके बना सकते हैं। मसालों में हमें चाहिए लाल मिर्च, यहाँ मैंने काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का यूज किया है। इससे सब्जी का कलर बहुत ही अच्छा आता है और ये तीखा कम होता है। तो यहाँ पर मैंने 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया हुआ है, 1/2 छोटा चम्मच गर्म मसाला, नमक हम स्वाद के अनुसार लेंगे, 1/2 छोटा चम्मच यहाँ मैंने कस्तूरी मेथी लिया हुआ है, 2 बड़े चम्मच यहाँ मैंने लहसुन और मिर्ची का पेस्ट लिया हुआ है, 1/2 चम्मच उससे थोड़ा सा ज़्यादा मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर लिया है, 2 बड़े चम्मच हमें चाहिए कुकिंग ऑयल, आप किसी भी कुकिंग ऑयल का यूज कर सकते हैं, जीरा और धनिया पाउडर हमें चाहिए 1/6 चम्मच, 1/2 छोटा चम्मच हमें चाहिए साबुत जीरा और 1/4 चम्मच हमें चाहिए मेथी के दाने। यहाँ मैंने कुछ खड़ा गरम मसाला लिया है जिसमें 2 लौंग, 2 इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े और कुछ जावित्री के टुकड़े मैंने लिया हुआ है। 1 हमें चाहिए तेजपत्ता। सो फ्रेंड्स, आइए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मिक्स वेजिटेबल बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे कढ़ाई को गर्म कर लेंगे। यहाँ मैंने कढ़ाई को पहले से गर्म करके रखा हुआ है। अब इसमें तेल ऐड करेंगे, तेल को गर्म हो जाने देंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें जीरा और मेथी ऐड करेंगे, कुछ समय के लिए सौते होने देंगे। ये हमारा दोनों फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे बे लीफ यानी कि तेज पत्ता और खड़ा गरम मसाला। इसे भी हम 30 सेकंड के लिए इस तरह से हिला करके फ्राई कर लेंगे। आप इसमें प्याज भी ऐड कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं बिना प्याज के बना रही हूँ। ये हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है, हम इन सब में सब्जियों को ऐड करेंगे धीरे धीरे। गोभी, बैगन, बीन्स, गाजर, पहले इन सब होते हैं फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा। बाकी सब्जियों को हम थोड़ी देर के बाद ऐड करेंगे क्योंकि ये सब्जियाँ पकने में थोड़ी टाइम लेती हैं, इसलिए मैंने सबसे पहले ऐड किया है। और इन्हें हम मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा। उसके बाद हम बाकी सब्जियों को भी डाल करके फ्राई करेंगे। ये हमारी सब्जियाँ हल्की हल्की फ्राई हो चुकी है, इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। हरी मिर्च आप शुरू में भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ बीच में डाल दी हूँ। पत्ता गोभी इसे मिक्स कर लेंगे। पत्ता गोभी ऐड करने के बाद इसमें ऐड करेंगे हरी शिमला मिर्च, पीली शिमला मिर्च, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम सब्जियों को हाई फ्लेम पे 2 मिनट तक लगातार चलाते हुए हल्का से हम भून लेंगे। जो हाई फ्लेम पे लगातार चला के पकाते हुए 2 मिनट हो चुके हैं, फ्लेम को हम मीडियम पे ले आएंगे। और इसमें हम मसाले ऐड करेंगे, लहसुन मिर्ची का पेस्ट, जीरा धनिया, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक हम स्वाद के अनुसार ऐड करेंगे और इसी समय हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। इन सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम इसे मीडियम हीट पे ढक करके पकाएंगे ताकि सब्जियां हमारी सॉफ्ट हो जाएं और बीच बीच में हम इसे चलाते भी रहेंगे। ये सब्जी बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है, अब इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें।
जैसा कि मैंने बोला था बिजली भी हमेशा चलाते भी रहेंगे। सब्जियाँ हमारी लगभग सॉफ्ट हो चुकी हैं, पक चुकी हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे उबले हुए आलू और पनीर, ये सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वापस हम टक्कर से इन सबको पकाएंगे और हम इसे हाई फ्लेम पे पकाएंगे और फ्लेम को थोड़ा तेज कर देंगे और हाई फ्लेम पे पकाएंगे और इसे हम चलाते रहेंगे। ज़्यादा इसे ढककर के नहीं पकाएंगे, अदरवाइज ये सारे एक साथ मिक्स हो जाएंगे तो अच्छा नहीं रहेगा टेस्ट में, इसलिए अब हम इसे बिना ढके हुए पकाएंगे। इसे हाई फ्लेम पे लगातार चला के पकाते हुए हमें 3 से 4 मिनट हो गए हैं। इसे यहाँ पर मैंने फ्लेम को मीडियम पे कर लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे गर्म मसाला पाउडर और कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से किसी भी सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे अब हम 2 मिनट और पका लेंगे ताकि इसमें कसूरी मेथी और जो हमने गरम मसाला ऐड किया है उसका फ्लेवर इसमें आ जाए। हमारा हो चुका है, अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। मेरे दोस्तों हमारा गर्मा गर्म मिक्स वेजिटेबल तैयार है, गैस को बंद कर देंगे। आइए हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। मेरे दोस्तों हमारा गर्मा गर्म मिक्स वेजिटेबल बन करके तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट रेसिपी है और ये बहुत ही कम समय में बन जाती है। आप मिक्स वेजिटेबल बनाने में अपने मनपसंद की कोई भी सब्जी यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की ये मिक्स वेजिटेबल की रेसिपी अच्छी लगी, मेरे वीडियो के नीचे लाइक के बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। आप इसे खाने के साथ सर्व करें, आप इसे गर्म गर्म सर्व करें और आप इसे रोटी, नान, पराठा और गर्म गर्म चावल के साथ खाने में सर्व करें। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, आप इस रेसिपी को घर पर एक बार जरूर ट्राई करें। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी और आप इसे घर पर ट्राई करें और आपकी रेसिपी कैसी बनी हमें जरूर बताएं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए एंजॉय दिस रेसिपी, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय बाय।